हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन हब। आज हम स्पाइसी स्टफ्ड मिर्ची के पकौड़े बनाएंगे। रेसिपी बहुत इजी है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 100 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली है जिनको मैंने वॉश कर लिया था, और इसका पानी सुखा लेने के बाद इसको बीच में कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद मिर्च के जो बीज दिखाई दे रहे हैं उसको आप अलग कर सकते हैं, मैं इन्हें नहीं निकाल रही हूँ। पकौड़ों की स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए हैं जिनको हाथ से या मैशर से आप मैश कर लें। मैंने यहाँ पर एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 चम्मच ज़ीरा भून लिया था और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। मैं यहाँ पर 1-1 चम्मच नमक, लाल मिर्च, गर्म मसाला और अमचूर का यूज़ कर रही हूँ। मसाले रोस्ट करने के बाद इसमें मैश्ड पोटैटो भी डाल देंगे और उन्हें भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और ये देखिए हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है, इसे बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। स्टफिंग ठंडी हो गई है, इसे मिर्चों में भर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर सारी मिर्चें रेडी कर ली हैं। मिर्चें स्टफ़ करने के बाद भी मेरे पास आलू की स्टफिंग थोड़ी बची रह गई है। आइए अब पकौड़ों के लिए बैटर रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़े बाउल में 3 टेबलस्पून बेसन का लिया है। ये मोटा बेसन नहीं है, मैंने यहाँ पर रेगुलर बेसन ही लिया है। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है और इसके साथ ही थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन को हम घोल लेंगे। लम्स फ्री बैटर रेडी करने के बाद इसमें मैं 1/4 टीस्पून हींग पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन जिसको मैंने हथेली पर मसल लिया था, और 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। पकौड़ों को ब्राइट कलर देने के लिए मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर भी यूज़ कर रही हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, बहुत थिक पेस्ट बन गया है। बैटर को 10 मिनट का रेस्ट देंगे। ये देखिए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया है। डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई में कुकिंग ऑयल को मैंने पहले ही तेज़ आंच पर गरम करके फिर मीडियम गैस पर कर लिया है। स्टफ़ की हुई मिर्चों को उनकी डंडी यानी स्टॉक से पकड़ के बेसन से कोट कर देंगे और बहुत केयरफुली इसे गर्म ऑयल में छोड़ देंगे। डीप फ्राई करते टाइम कढ़ाई में आप एक साथ बहुत सारी मिर्चें ना डालें क्योंकि वो एक दूसरे से चिपक जाएंगी तो उनका बेसन उतरना स्टार्ट हो जाता है। पलटकर दोनों तरफ से फ्राई करने के बाद हमारी हरी मिर्चों के स्टफ्ड पकौड़े रेडी हो गए हैं। ऐसी मसालेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलती हूँ आपके साथ एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।